नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में कल ही वैकेंसी आई है SSC सिलेक्शन पोस्ट की, उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है और लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस पद को हम अप्लाई कर सकते हैं या किसको नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपने कोई अलग से क्वालिफिकेशन है, कोई डिप्लोमा कर रखा है आपने, या फिर ग्रेजुएशन भी किसी स्पेशल स्ट्रीम में कर रखी है, एग्रीकल्चर में कर रखा है, या फिर BEd कर रखा है, BTC कर रखा है, क्योंकि दोस्तों आजकल सिर्फ साधारण वाला जहाँ पर भी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है थोड़ा सा हाई हो गया है। अभी जैसे कि आप देखेंगे UPSC से एक वैकेंसी आई थी BEO की, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वहाँ पर क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ BEd वाले ही भर सकते हैं। इसी तरीके की और भी बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं जहाँ पर कि स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में दिल खोल के आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने ट्रांसलेटर का डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपको स्टेनो आती है, CCC है आपके पास, जो भी आपके पास डिप्लोमा है, जो भी शैक्षिक योग्यता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उसमें जितने भी कमेंट आएंगे उनको कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि अभी SSC सिलेक्शन पोस्ट में आप कौन सी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके अलावा आपको किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए जिसमें कि आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हों। ठीक है दोस्तों, और हाँ, साथ में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री भी कर रखी है और साथ में उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी है, चाहे वो प्राइवेट जॉब का हो या फिर कहीं और चीज़ का, अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सकता है दोस्तों आपके कमेंट की वजह से ही आपकी तैयारी का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाए। जैसे कि हरीश भारद्वाज जी हैं, इन्होंने बताया है कि BCA + MCA इन्होंने कर रखा है कि कोई पोस्ट है तो मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा। और दोस्तों, अभी जो SSC सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर क्वालिफिकेशन को हो वो ठीक तरीके से नहीं दिखा रहा है, वहाँ पर सिर्फ ये दिखा रहा है कि Graduation + Above। मगर जब फॉर्म आप पूरा भरेंगे और फिर वहाँ पर जब आप उस पोस्ट का पोस्ट कोड डालने के बाद जब शैक्षिक योग्यता उसी खोलेंगे तो वो वहीं पर वही दिखाएगा जो कि उसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी एक डिप्लोमा होता है दोस्तों, सैनिटरी वाला, तो अगर वो कर रखा है उससे भी रिलेटेड एक दो पोस्ट हैं, अभी उसका थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। और MA जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी विषय में तो अपना विषय भी जरूर लिखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की दोस्तों आपको पता है कि अलग से भी वैकेंसी आती हैं। और फिर हैं शशिकांत जी, एग्रीकल्चर, जी हाँ, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर जो भी आपके पास है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जल्दी ही कल तक जितने भी इसमें कमेंट आएंगे उन्हें कंपाइल करके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जिससे कि आप स्पेशल अपनी ही स्ट्रीम की जब आप तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।